सो गाइस, ये है मेरा घर के एंजल फिश का प्यार। अगर आप लोग भी चाहते हो एंजल फिश का प्यार को आइडेंटिफाई करना, तो आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो है, जहाँ पे मैं सिर्फ चार पॉइंट के बारे में बात करूँगा। बहुत ही सिंपल वे पे आप लोगों को समझाऊँगा कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करें एंजल फिश का प्यार को। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ वर्ड मिस कर जाओ, और सिर्फ चार मिनट का वीडियो होगा फ्रेंड्स, पूरा देखना। तो गैस, पहला जो पॉइंट है वो है मेल फीमेल। आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो फीमेल एंजल फिश है, दो फीमेल का भी प्यार लग जाता है। अगर ऐसा होगा तो आपका एंजल अंडा तो देगा, लेकिन उस अंडे से कभी बच्चा नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आपका जो एंजल का प्यार है वो मेल और फीमेल है या नहीं। अगर दो फीमेल होगा तो बच्चा नहीं निकलेगा, तो ज़रूरी है। तो चलिए, मेल फीमेल का तो वीडियो आप लोग के लेके आऊँगा, आप लोग अगर बोलोगे तो। दूसरा वाला पॉइंट जो है, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का एंजल फिश का पेयर लगेगा तो वो दो मछली हमेशा एक साथ घूमता रहेगा। देखिए आप लोग, ये दोनों जो एंजल फिश है, आप लोग देखिए, ये लोग हर टाइम एक साथ घूम रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखा तो इस साइड से, ये देखिए, ये फीमेल है और ये वाला मेल है। ठीक है, तो ये दोनों जो एंजल फिश है, ये लोग हर टाइम एक साथ रहते हैं, और ये जो चारों है ये लोग अलग रहते हैं। पॉइंट है वो है, आप ये लोग एक जगह को चूज करेगा। देखिए, जो ये पावर फिल्टर है, ये वाला प्यार ने तो ये वाला पावर फिल्टर को चूज किया है, क्योंकि इसमें ऊपर ये लोग अंडा रिलीज करने की सोच रहा है, मेरे को जो लग रहा है। आपके घर में अगर एंजल फिश होगा तो आप लोग एंजल फिश का प्यार लगेगा, तो ये लोग कुछ भी जगह चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये स्टोन भी हो सकता था, वो पीछे वाला जो है वो भी हो सकता था, आपके एक्वेरियम का ग्लास भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन कोई एक जगह को ये लोग चूज़ करेगा जहाँ पे और किसी मछली को आने नहीं देगा। देखिए आप लोग, ये अगर ये सब एंजल फिश अगर इस साइड में आएगा तो ये दोनों मिल के इनको भगा देगा। ठीक है, आप लोग देखते रहे, देखना, देखिए एग्रेशन, देखिए भगा दिया। तो ये एक बिहेवियर है कि ये लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पे ये लोग अंडे देने की सोच रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं ये पावर फिल्टर यूज़ नहीं करता, बंद कर दिया, और ऑक्सीजन वाला जो है ऑक्सीजन यूज़ करता हूँ। तो तीसरा वाला पॉइंट चला गया, और चौथा वाला जो पॉइंट है वो अभी मैं फॉलो नहीं, अभी तक मेरे को नहीं दिखा, लेकिन आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। अगर फीमेल, ये देखिए मेल है, ये वाला फीमेल। ठीक है, सो गाइस, फीमेल के नीचे ना एक ट्यूब होता है, आप लोग देखिए फीमेल का पेट थोड़ा फूला हुआ है, दिखाता हूँ आप लोगों को, फोकस नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हाँ, आप लोग देखिए फीमेल का पेट थोड़ा फूला हुआ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन फूला हुआ है। ठीक है, सामने से देखिए थोड़ा सा फूला हुआ है। तो ये है अंडा होने का मतलब, मैंने खाना नहीं दिया फिर भी इन लोगों का पेट फूला हुआ है, मतलब इन लोगों के पेट में, इसके पेट में अंडा है। और एक बात है कि फीमेल के नीचे ना एक ट्यूब निकल आता है वाइट कलर का, तो अभी तो वो नहीं है, जब ब्रीडिंग का वीडियो होगा मतलब अंडा रिलीज करेगा तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ट्यूब कैसा दिखता है। मतलब अभी तो इन लोगों का ट्यूब नहीं दिखाई देगा, ट्यूब तब दिखाई देता है जब ये लोग जिस जगह पे मतलब अंडा देगा उस जगह को पहले ये लोग क्लीन करता है, तो ये लोग वहाँ पे जो एल्गी होता है सब खा लेता है, उस टाइम पर इन लोगों का ट्यूब विजिबल होता है। उसके क्लीनिंग के दो दिन बाद ये लोग अंडा दे देता है। ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोगों को मैं ज़रूर मतलब वीडियो करके आप लोगों को दिखाऊँगा। और आप लोग अगर चाहते हो कि एंजल फिश में कैसे मेल फीमेल आइडेंटिफाई करें इसका एक वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एक बात, इसका ब्रीडिंग अगर होगा तो उसका ब्रीडिंग का भी वीडियो होगा, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इन लोगों का अंडा कैसे दे रहा है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मेरा अभी कम्प्लीट होने वाला है, सिर्फ 200 चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।